नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के चैनल 7 मिनट्स ट्रिक्स पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस के ऊपर आज का यह खास वीडियो। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे वायुमंडल में हवाओं का चलना और कौन सी हवाएं, अगर हम ग्लोबल विंड्स की बात करें, जिनकी वजह से प्राकृतिक रूप से क्षेत्रों का निर्धारण होता है, जैसे जैसे हम बोलते हैं कि भाई ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन है, तो उन क्षेत्रों की जो विशेषताएं बनती हैं उन सब में इन वायुमंडलीय हवाओं का, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस का बहुत महत्व होता है। इन महत्व को समझने के लिए हम आपके आज के इस सेशन में आपको बहुत कम समय में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वायुमंडलीय सर्कुलेशन आफ्टर ऑल बनता कैसे है। देखिए साथियों, होता क्या है कि जब कहीं पर एक जैसा विंड फॉर्म या हवा का क्षेत्र एक जगह से निकल के दूसरे जगह तक कंटिन्यूअस चलता है, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्रिएट होता है। जैसे आपके सामने ये धरती का एक धरती को ग्लोब के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जहाँ से आपको इक्वेटर नजर आ रही है, इस इक्वेटर पर दोनों तरफ से मेरा कहने का मतलब है कि अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की बात करें। सवाल बना, सर नॉर्थ और साउथ कैसे डिसाइड करते हैं? ये भी बड़ा आसान है, आप एक सिंपल सा प्लस का निशान बनाइए, उसके ऊपर जहां सिर है वहां नॉर्थ लिखिए, नीचे की तरफ साउथ लिखिए, जहां आपका सीधा हाथ है वहां ईस्ट लिखिए, जहां आपका उल्टा हाथ है या लेफ्ट हैंड है उधर वेस्ट लिखिए। तो मेरे प्यारे साथियों, सूर्य की गति से, यानी कि क्या होता है कि असल में सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है, लेकिन हमें क्या लगता है कि सूर्य जो है वो उत्तरायण हो गया, सूर्य दक्षिणायन हो गया। तो असल में पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगा रही होती है तो हमें ये मालूम होता है कि असल में पृथ्वी सीधे नहीं होती है, पृथ्वी थोड़ी टिल्टेड होती है कुछ इस प्रकार से। जब पृथ्वी टिल्टेड है और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो टिल्ट होके चक्कर लगा रही है ना, तो टिल्ट होकर के चक्कर लगाएगी तो मैं इस चीज को ऐसे दिखा देता हूं कि मान लीजिएगा कि यहां पर एक ग्लोब समान संरचना है और वो थोड़ी टिल्ट होकर के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो ये सूर्य है और इसके चारों तरफ अगर ये यों घूम के चक्कर लगा रही है, राउंड राउंड करके चक्कर लगा रही है, तो हमको ये समझना जरूरी होगा कि ये टेढ़ी होकर के चक्कर लगा रही है। तो देखिए, जो हिस्सा सूर्य की तरफ है ऑलरेडी, यदि वो वंस अपॉन ए टाइम वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कर्क रेखा है, तो ये जब इस तरफ आएगा तो ये कैंसर वाला हिस्सा दूर चला गया और जो नीचे वाला हिस्सा है वो सूर्य के समकक्ष आ गया, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ से आ गया। तो ये दो जो रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे आप कर्क रेखा कहते हैं उत्तर की तरफ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे आप मकर रेखा कहते हैं दक्षिण की तरफ, सामान्यतया ये वो अधिकतम दूरी है जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश इधर से उधर टेढ़ा पड़ता रहता है। तो सूर्य का प्रकाश ऊपर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, ऊपर से नीचे तक डायरेक्ट पड़ता रहता है। बोले इससे क्या अर्थ निकाला जाए? इससे अर्थ ये निकाला जाए कि सूर्य का प्रकाश जहां पड़ता है वहां पर जो पानी है या फिर जो हवा है, वो पानी अगर भाप बने और हवा अगर गर्म हो जाए तो वो लाइट होकर के जमीन से ऊपर उठ जाती है, और जमीन से ऊपर उठी हुई हवा यहां 23.5 डिग्री पर जाकर के डिसेंड होती है, नीचे गिरती है, और नीचे जब वो एक बार गिरती है तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों कोरियोलिस बल के प्रभाव में, अब ये कौन सा बल आ गया? सर कोरियोलिस बल वो बल होता है जिसके कारण उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ चलने वाली हवाएं अपने सीधे हाथ की तरफ चलती हैं। मान लीजिए यहां से आपको इधर चलना है तो ये राइट हैंड साइड में चलेंगी कुछ इस प्रकार से, अगर आपको इधर से इधर जाना है तो अपने सीधे हाथ की तरफ चलेंगी कुछ इस प्रकार से। तो डिसेंड हुई हवाएं अपने सीधे हाथ की तरफ इस प्रकार से चलती हैं। सिमिलरली दक्षिण की तरफ से उतर के जो हवाएं आई हैं वो भी इस प्रकार से चलती हैं। तो ये दोनों हवाएं जो कि उत्तर और दक्षिण से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, ये दोनों हवाएं जिस जगह पर मिलती हैं उसे हम ITCZ कहते हैं। सामान्यतया ऐसी स्थिति बनती है यहाँ कि हवाएं आपस में मिलती हैं और लो दाब का क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक सिचुएशन बनती है जिसे हम डोलड्रम कंडीशन कहते हैं, जहां पर कहते हैं कि पानी का जहाज भूल जाता है, जो पतवार वाला जहाज होता है, कि उसे जाना कहाँ है। और सामान्यतया जहां हवा डिसेंड हो रही है, जिसे आप हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं कि जब हवा यहां पर उतर के आती है तो दाब इतना होता है कि वंस अपॉन ए टाइम जब अंग्रेज यहां पर आया करते थे तो वो जहाजों में घोड़े भर के लाते थे,
और वो जो घोड़े हैं वो इतने वजनदार होने लगते थे, ऐसा लगता था पतवार को नाविक को चलाते हुए कि जहाज में बहुत वजन हो गया है, तो वो घोड़े उठा उठा करके पानी में फेंक देता था और नाव को हल्का करने के लिए। लेकिन उन्हें ये एटमॉस्फेरिक रीजन नहीं पता था कि यहाँ दबाव जो है वो उतर के नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हॉर्स लैटिट्यूड आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में बन के आती है। तो मेरे प्यारे साथियों, असल में हवा का डिसेंड होना कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, कोरियोलिस बल हुआ जिसको मैंने आपको अभी समझाया, एयर प्रेशर हुआ। एयर प्रेशर का मतलब हुआ कि कम दाब से अधिक दाब से निम्न दाब की तरफ चलने वाली हवाएं हुई। तो असल में हवाओं का ये जो सर्कुलेशन है, यदि ये 23.5 डिग्री के तक वापस घूम के आता है तो हेडले साइकिल कहलाता है। 23.5 डिग्री पर जो डिसेंड हुई हवा है अगर वो 66.5 डिग्री तक चलती है, यानी कि पोलर फ्रंट तक जाती है, आर्कटिक सर्कल तक जाती है, तो वहां पर फेरल साइकिल का निर्माण करती है और उससे ऊपर पोलर सेल का निर्माण करती है। तो ये तीन प्रकार की सेल का निर्माण होता है जिनमें कि आपने नाम याद कर लेना चाहिए, हेडले, फेरल और पोरल साइकल्स का निर्माण होता है। इन तीनों चीजों को हम अगर याद करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं। हेट 5 पाई, मतलब क्या हुआ, हेट H और T, इन दोनों को हम अगर मिलाएं तो हमको ये समझ में आ सकता है कि इस ट्रिक को हेडले जो है वो ट्रेड विंड के लिए जिम्मेदार होती है, फेरल सेल वेस्टरली के लिए जिम्मेदार होती है और पोलर सेल पोलर एस्टरलीज के लिए जिम्मेदार होती है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, हम HTFWPE हेट 5 पाई नाम से एक छोटी सी ट्रिक बना करके इसे लर्न करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि ये कंसेप्ट काफी बड़ा है, लेकिन इसे समझने के लिए अगर आपको बेसिक बात समझ में आई हो, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण हवाएं चलती हैं, तो ये पूरा सर्कल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, मेरे साथ में जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के द्वारा 7 मिनट्स चैनल, और आप मेरे साथ कोर्स को फाउंडेशन लेवल पर पढ़ सकते हैं जहां पर इस चीज को बहुत डिटेल में समझाया गया है, जहां पर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, उनको बहुत फाउंडेशन लेवल पर मैं पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी के SSC सेक्शन में। वहां पर इन्हीं हवाओं को मैंने लगभग 1.5 घंटे के सेशन में समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए ये ट्रिक्स जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके लिए कामगार होगी, और जिनको नहीं पढ़ी हुई है वो इसे जानने के लिए जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी पर। मेरा रेफरल कोड है Ankit10, जिसकी वजह से आपको अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है। अगर फीस 6000 है तो ये 5400 में प्राप्त हो जाएगी, और अगर 4800 रुपये फीस है तो आपको ये 4320 में ये क्लास प्राप्त हो जाएगी। आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखें। थैंक